देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू विष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है। शहर में संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ते हुए प्रशासन हुआ सतर्क। हल्द्वानी में संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ते हुए प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए जगह जगह कैंपिंग अभियान चलाया, जहां आज नगर मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लाल डांड पर सभी लोगों को सैंपलिंग कराए। वहीं इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी दिखाई दिया। वहीं नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि विक्टोरिया में लोग सैंपलिंग कराने में सहायता नहीं दे रहे थे, इसके लिए प्रशासन को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी जनता से अपील है कि वे सैंपलिंग कराने में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सहायता करें और खुद ही निकल कर आए। यदि थोड़ी से भी सिम्टम्स आप में दिखाई देते हैं तो खुद अपना सैंपलिंग कराएं, स्वास्थ्य विभाग आपका पूरा सहयोग करेगी। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, उनमें लगातार सैंपलिंग की कार्रवाई हमारी मेडिकल टीम कर रही है। यहाँ हमारी ACMO रश्मि भी हमारे साथ हैं और ये बीकेपुरम है। यहाँ पर लोगों के द्वारा थोड़ा सहयोग कम किया जा रहा था। यहाँ पे सैंपलिंग हमारी टीम आई थी लेकिन सैंपलिंग अच्छे से नहीं हो पाई थी, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर हमारी टीम पूरी यहाँ मौजूद है और हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमें अपना सहयोग दें और अधिक से अधिक सैंपलिंग हम इस क्षेत्र की कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि संक्रमण को हम देख सकें कि संक्रमण किस हद तक फैल रहा है और हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक कोरोना की फिर महामारी शुरू हो गई है, बहुत ही हमारे लिए संवेदनशीलता है, इसीलिए हम लोग कंटेनमेंट्स बना रहे हैं और लगभग हमारी 32 कंटेनमेंट्स पूरे नैनीताल ज़िले में हो गई है, और जिसमें ज़्यादातर हमारी कंटेनमेंट्स हमारा अर्बन हल्द्वानी और रूरल हल्द्वानी ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जा रहा है। तो सभी से निवेदन है कि भाई बढ़ चढ़ के आगे आएँ और सैम्पलिंग कराएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेनमेंट्स के वजह से ही हम इस एरिया को एक एरिया का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अभी हम उस तरह नहीं कर रहे जैसे पिछले वर्ष हमने करा था कि सारी पूरी लेन पूरी गली हम ब्लॉक कर देते थे, इसलिए हम निवेदन करना चाह रहे हैं अपनी जनता को कि जहाँ जहाँ पॉजिटिव जा रहे हैं सबको पता चल जाता है, ऐसा नहीं है लोग बेखबर है, सबको पता चलता है कि भाई आसपास के लोगों को बुखार हुआ है या पॉजिटिव आए, तो प्लीज़ बढ़ चढ़ के आ गए। ऐसा मौका हम कहाँ कहाँ तक जाएंगे, हमें यह मौका ना दें। मैं चाह रही हूँ अपनी जनता को कहना कि ये मौका ना दे कि हम दर्द लोगों के घर घर जाएं। हमारे इतना सारा पूरी इतने सारे काम होते हैं, होम आइसोलेशन को देखना पड़ता है, कोविड केयर सेंटर्स में देखना पड़ता है, अस्पतालों में जो भर्ती होते हैं उनकी स्थिति को जानना पड़ता है, रिपोर्ट्स बनती है हमारे और अन्य हमारे कार्य होते हैं, तो इसमें हम लोगों का सहयोग करें और आप बढ़ चढ़ के सैंपलिंग कराएं। RT-PCR करा रहे हैं, TrueNet करा रहे हैं, एंटीजन करा रहे हैं, और अभी भी मैं कहना चाह रही हूँ जहाँ भी बुखार हो रहा है किसी को, खांसी जुकाम शरीर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल घर में ना बैठे, वो बिल्कुल घबराए नहीं कि मुझे अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो मुझे क्या होगा, समाज क्या कहेगा, अगर आपको कुछ और स्थिति आपकी गंभीर हो जाएगी तब आप सोचिए आपकी कौन मदद करेगा, उस वक्त आप अकेले पड़ जाएंगे, तब आपके लिए एम्बुलेंस भी, इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार प्रशासन स्वास्थ्य विभाग, इतना कंट्रोल रूम उन्होंने हम लोग ने कंट्रोल रूम भी बना रखा है, सारी जगह एम्बुलेंसेज की सेवा दे रहे हैं, होम आइसोलेशन की टीम भी गठित कर रखी है हम लोगों ने, इसलिए तुरंत अपनी जांच कराएं और जैसे ही पॉजिटिव होते हैं हम आपसे संपर्क करते हैं, तो आपकी सुविधा अनुसार और आपके सिम्टम्स के अनुसार आपको या तो हम लोग होम आइसोलेशन करते हैं या कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में भर्ती करते हैं। तो निवेदन है कि लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।